देखिए जो मछलियों की जो डेथ है ना, जो उनकी जो मॉर्टिलिटी है एक्वेटिक लाइफ की, जो है खासकर अगर आप देखेंगे जो मछलियां हैं, तो वो शायद जो थेरेकस, वो कश्मीरी मछली, तो वो फ्रेश वाटर फिश है। तो ऑटोमेटिकली ये कहा गया है कि उसको पूरा क्लोज़ किया गया था, यहाँ से ये पूरा क्लोज था ऊपर से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मुझे लग रहा है कि। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, अगर आप उन स्टोन्स को देखेंगे, तो उसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत सारा हो सकता है। इस वाटर में कैल्शियम कंटेंट इसमें ज़्यादा हो सकता है। ऑटोमेटिकली जब यहाँ से आपने क्लोज़ किया, तो उसकी वजह से जो ये एयर, जो आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई होगी। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो ये अंदर से अगर आप देखेंगे, तो बाहर से आपको ये कुछ लगता ही नहीं कि चश्मा है, अंदर से तो ये अंडरग्राउंड पांड, मुझे लग रहा है कि अंडरग्राउंड पांड है, जैसे आपका जो क्रेस्ट टोपोग्राफी जिसको हम कहेंगे, तो अंडरग्राउंड पांड हो, तो पांड में मछलियाँ हो सकती थी। और ऑटोमेटिकली जब यहाँ से पीएचई डिपार्टमेंट ने उसको ब्लॉक किया फॉर द वाटर सप्लाई पर्पज, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो एरिएशन थी, जो ऑक्सीजन डिमांड अंदर से बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ से जो पानी, जो कंटिन्यूस जो रन ऑफ था पानी का, जब वो उसको रोका गया, वो स्टैग्नेंट वाटर बन गया। और जब आप स्टैग्नेंट वाटर, जब फ्रेश वाटर फिश को आपको स्टैग्नेंट वाटर में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली तो ये कैजुअल्टी हो सकती है, फिश की जो डेथ वही उसी से हुई। मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ADEE काजीगुंड रफीक साहब। तो इनसे हम जानेंगे जो बाबापुरा में जो वाकया पेश आया है, जो मछलियाँ वहाँ पे मर गई है, या पांड का जो पानी कम हो गया, तो इसका क्या वजूहत है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर खैर मकदम करना चाहते हैं आपका। मोस्ट वेलकम सर। रफीक साहब, क्या लगता है आपको, जो वहाँ पर जो पानी कम हो गए या जो कैजुअल्टीज़ हो गए फिशेज़ की, क्या हो सकता है इसमें? जो यह बाबापुरा स्प्रिंग है, ये हमने 2 साल पहले हमने एक वाटर सप्लाई स्कीम कंसीव की थी, वाटर सप्लाई स्कीम वसुमानी का, जो मंडहोल चेके चंदन पाजन और बाबापुरा टैंक के लिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ ए सडन इस स्प्रिंग में डिस्चार्ज बहुत कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया। इसकी वजह से जो अंदर हिल लॉक के अंदर जो फिश थी, लाइव फिश, वो बाहर आ गई ऑल ऑफ ए सडन। और उसको हमने फिशरीज़ डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट किया, फिशरीज़ डिपार्टमेंट वाले आ गए, वो वहाँ से जितनी लाइव फिश थी वो उन्होंने उठाई और नियर बाई जो नाला था उसमें डाली। लेकिन फिर हमने कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग उसमें रखी, तो फिर हमने पाया कि इसमें कुछ डेड फिशेस भी आ गई। तो ऑल ऑफ फिर हमने एट वंस हमने सप्लाई काट दी इसमें से, और हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट उन विलेज के लिए किया। लेकिन जो फिश थी वो इंटेंसिटी वो बढ़ गई, बढ़ती रही, जो डेड फिश। फिर हमने वाटर क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा है, होता है डिपार्टमेंटल इनबिल्ट वाटर क्वालिटी कंट्रोल, उनको हमने भेज दिया वहाँ पे टीम। तो उन्होंने वहाँ वाटर क्वालिटी टेस्ट जब किया, तो उसमें बैक्टीरियल ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन था। तो हमने फिर और एक सैंपल भेजा श्रीनगर भी टेस्ट करने के लिए, ताकि हम देखेंगे इसमें डिजॉल्वड ऑक्सीजन की कमी मत है, BOD CO2 यू केमिकल ऑक्सीजेशन डिमांड, ताकि हम जान सके कि ये डेड क्यों हो गई ये फिशेज इतनी ज़्यादा, इतनी मकदार में। इससे पहले आपको तस्वूर था कि उसमें फिशेज है? नहीं, इससे पहले हम आप लोकल से भी कन्फर्म कर सकते हैं, हम भी नहीं जानते थे कि इतना बड़ा अंदर जो हिल लॉक के नीचे ये स्प्रिंग है। हमें जो इसका माउथ है वो छोटा है, लेकिन अंदर हिल लॉक के बिल्कुल अंदर बहुत डेप्थ है इसकी और विड्थ है इसकी। हमने फिर बाद में इसको ओपन किया, माउथ इसका ओपन किया, हमने फिश वो फायर एंड एमरजेंसी से व्हीकल मंगाया, 2 बार 2 दिन हमने कॉन्स्टेंट इसको फ्लश किया, और बहुत मकदार में डेड फिश जो है बाहर आ गई। तो हमने फिशरी डिपार्टमेंट को भी कॉन्टैक्ट किया, हम इस पर लगे हैं, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। तो हम जितने भी जो स्टेप्स थे हमने उठाए हैं, हमने लैब स्टाफ भी वहाँ भेजा, अपनी जो सप्लाई है वो बंद कर ली, और इसको कॉन्स्टेंट हम दिन में 2 बार टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास होता है, ताकि हम देखें ये वाटर जो था ये बहुत अच्छा स्प्रिंग था, इसमें डिस्चार्ज के भी काम नहीं हुआ था। हमने इस साल बहुत कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया डिस्चार्ज, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न हो गया और लोग भी बहुत परेशान हैं। रफी साहब, अगर पिछले साल की बात करेंगे, तो बहुत स्प्रिंग्स बने हैं यहाँ पे, हालांकि जिनमें अभी पानी भी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा स्प्रिंग था जहाँ पे 2-3 गाँवों को भी आप पीने के पानी मुहैया कर रहे थे, इस पर तामीर क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसमें हम टेकअप कर रहे हैं ACD साहब के साथ, अमृत सरोवर में जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें साइड में जो कंस्ट्रक्शंस बनी है, तो उनके साथ भी हम वहाँ विलेज पे ऑन स्पॉट गए थे, एग्जन साहब भी गए थे कल, तो हम वो करेंगे कोशिश वो डेवलप करने के लिए, जितना भी करना होगा तो हम वो कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रपोजल बनाएंगे और वो DC साहब से भी। वो पानी पीने के लिए साफ़ है, अभी उसके लिए उसके लायक है कि वो पी सकते हैं? नहीं, एज ऑन डेट वो इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है और ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें, अभी हम फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। जो गांव अभी उस पर मैसर से जहाँ से वहाँ पानी जाती थी, उनके लिए अभी क्या इकदाम उठा रहे हैं? उनके लिए हमने ऑलरेडी जो अल्टरनेट एक स्प्रिंग नियर बाय था, उन्होंने हमने पाइप्स एडिशनल पाइप्स 1-2 लगाई और उसको डाइवर्ट करके दूसरे स्प्रिंग से उनको दे रहे हैं इस वक्त सप्लाई। और एक हैबिटेशन था हायर कंटूर पे, उसको हमने नियर बाय जो मानी गांव की स्कीम है उससे थोड़ा ऑगमेंट किया
उससे। चलो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ ए डबल ई काजीगुंड रफीक साहब, आप बने रहे हमारे साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।